शिव जो संहार के देवता हैं, वो एक बहुत ही जटिल देवता हैं। उनकी उपस्थिति में एक गहरी शांति और एक अद्वितीय शक्ति का अनुभव होता है। वो भयानक भी हैं और दयालु भी। उनके क्रोध से सृष्टि का विनाश हो सकता है, लेकिन उनकी कृपा से जीवन का पुनर्जन्म भी संभव है। विनाश करने वाले भी और रचना करने वाले भी। शिव की यह द्वैतता उन्हें एक अद्वितीय और रहस्यमय देवता बनाती है। दूसरी तरफ कामदेव प्रेम और इच्छा के देवता हैं। उनकी उपस्थिति में एक मोहक आकर्षण और एक अद्वितीय सौंदर्य का अनुभव होता है। उन्हें अक्सर एक सुंदर युवा के रूप में दिखाया जाता है, जिनके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान होती है और उनकी आंखों में एक चमक होती है। जिनके पास फूलों से भरा धनुष और बाण होते हैं, उनके बाणों से प्रेम और इच्छा का संचार होता है, जो दिलों को जोड़ता है और जीवन में रंग भरता है। ये दोनों देवता, जो देखने में एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, एक कहानी में एक साथ आते हैं, जो हमें इच्छा की शक्ति और उसके खतरे के बारे में सिखाती है। शिव और कामदेव की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ये कहानी सिर्फ देवी देवताओं की कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन की भी कहानी है। ये इंसानी भावनाओं और जीवन में हमारे द्वारा बनाए जाने वाले नाजुक संतुलन की गहरी पड़ताल है। ये हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे प्रेम और विनाश दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं, और हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। इससे पहले कि हम इस संघर्ष में उतरें, आइए इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। यह कहानी एक महान प्रेम और बलिदान की है। अपनी प्यारी सती के खोने के बाद शिव गहरे ध्यान में चले गए थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि वे दुनिया से पूरी तरह कट गए थे। इसी बीच दुनिया खतरे में थी। प्राकृतिक आपदाएं और अराजकता हर जगह फैल रही थी। ताकासुर नाम के एक राक्षस को वरदान मिला था, जिससे वो अजेय हो गया था। उसने धरती पर आतंक मचा रखा था। हालांकि वरदान एक शर्त के साथ आया था, उसे केवल शिव के पुत्र ही हरा सकता था। तारकासुर को केवल शिव के पुत्र ही हरा सकता था, लेकिन शिव तो अपने दुख में खोए हुए थे, देवता दुविधा में थे। वे जानते थे कि अगर शिव ने ध्यान नहीं तोड़ा तो दुनिया का विनाश निश्चित था। वो शोकग्रस्त भगवान को अपना ध्यान वापस दुनिया की ओर कैसे मोड़ने के लिए राजी कर सकते थे? देवताओं ने एक योजना बनाई, लेकिन क्या वे सफल हो पाएंगे? सुनिए, अपने वरदान से उत्साहित तारकासुर ने पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाया। देवता उसके अत्याचार को समाप्त करने के लिए बेताब होकर मदद के लिए ब्रह्मा, जो कि रचयिता हैं, के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने तारकासुर के वरदान की शर्त का खुलासा किया और शिव के पुत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। देवताओं ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए समझा कि केवल शिव के पुत्र ही तारकासुर को हरा सकते हैं, लेकिन वे शोकग्रस्त भगवान से कैसे संपर्क कर सकते थे? उनके ध्यान को भंग करने की हिम्मत कौन करेगा? उनके ध्यान को देवता हताश होकर कामदेव, जो कि इच्छा के देवता हैं, के पास गए। उन्होंने उनसे विनती की कि वे अपनी शक्ति का उपयोग शिव को उनके ध्यान से जगाने के लिए करें और उनका ध्यान पार्वती की ओर निर्देशित करें, जो कि सती का पुनर्जन्म थी। कामदेव हालांकि शुरुआत में हिचकिचा रहे थे, मान गए, क्योंकि वो स्थिति की गंभीरता को समझते थे। वे शिव का सामना करने में शामिल जोखिमों को जानते थे, फिर भी ब्रह्मांड के लिए संभावित इनाम उनके डर पर भारी पड़ा। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ शिव के धाम पर पहुंचे। मौन प्रार्थना और भारी मन से उन्होंने अपने प्रेम के बाण को ध्यान करते हुए भगवान पर निशाना लगाया। सुगंधित फूल से युक्त बाण अपने निशाने पर लगा। शिव ध्यान से चौंके ने अपने भीतर इच्छा के उछाल को महसूस किया। हालांकि उनका क्रोध तुरंत और प्रचंड था। उनकी तपस्या, सांसारिक भावनाओं को पार करने के उनके प्रयास को भंग करने की हिम्मत किसने की?
शिव ने अपने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र विनाश का नेत्र खोल दिया। उससे निकलने वाली गर्मी ने कामदेव को तुरंत भस्म कर दिया, उन्हें राख में बदल दिया। शिव के क्रोध से दुनिया कांप उठी, जो उनकी अदम्य शक्ति का प्रमाण था। रति अपने पति की मृत्यु को देखकर बेसुध हो गई। उसकी पीड़ा की चीखें आकाश में गूंज उठीं, जो शक्तिशाली शिव की इच्छा में हस्तक्षेप करने की कीमत की मार्मिक याद दिलाती हैं। शिव को जब अपना गुस्सा शांत हुआ तो अपने कार्यों की सीमा का एहसास हुआ। रति की दलीलों से प्रेरित होकर और कामदेव की भूमिका की आवश्यकता को पहचानते हुए उन्होंने उनके अंतिम पुनर्जन्म का वादा किया। हालांकि कामदेव निराकार रहेंगे, उनका सार अनंग निराकार के रूप में जीवित रहेगा। शिव का यह कार्य हालांकि एक रियायत के रूप में दिखाई दे रहा था, का एक गहरा अर्थ था। इसने भौतिक रूप की क्षणभंगुर प्रकृति को रेखांकित किया और सच्चे प्रेम और इच्छा की स्थायी शक्ति पर जोर दिया। शिव और कामदेव की कहानी सिर्फ प्यार, नुकसान और पुनर्जन्म की कहानी नहीं है। यह एक गहरी कथा है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमारे जीवन में इच्छा की भूमिका के बारे में एक गहरा रूपक है। इच्छाएं हमें प्रेरित करती हैं, हमें हमारे लक्ष्यों की ओर धकेलती हैं। यह हमें सिखाती है कि जहां इच्छा एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमें आगे बढ़ा सकती है, वहीं यह हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अनियंत्रित इच्छा विनाश का कारण बन सकती है। यह हमें अंधकार में धकेल सकती है और हमारे जीवन को अव्यवस्थित कर सकती है। कामदेव को नष्ट करने का शिव का कार्य स्वयं इच्छा की निंदा नहीं है, बल्कि यह हमें संतुलन और वैराग्य के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, बल्कि संतुलन और वैराग्य के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे संतुलन और वैराग्य हमारे जीवन में शांति और स्थिरता ला सकते हैं। कहानी बताती है कि सच्चा ज्ञान हमारी इच्छाओं को पहचानने में है और यह समझने में है कि हमें उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहिए, उनके द्वारा ग्रसित हुए बिना। यह हमें सिखाती है कि हमें अपनी इच्छाओं को समझना चाहिए, लेकिन उन्हें हमारे जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यह हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक स्वयं के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन खोजने के बारे में है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में दोनों पहलुओं को संतुलित कर सकते हैं और एक पूर्ण और संतुलित